हेलो दोस्तों, टर्बो एड्रोलिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास आई है ये मोदी नगर से ट्रेलर। तो दोस्तों इस ट्रेलर का हमने क्या करना है, लाइन। तो दोस्तों लाइन कैसे करेंगे, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। आज बने रहना वीडियो के साथ। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखना किस तरीके से हम इसकी ट्रॉली की लाइन करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये टिप्पर है, वो ट्रेलर निकल गया था मुँह से बनाते वक्त, क्योंकि एक गाड़ी और खड़ी थी। और फिलहाल तो आप ये ढक्कन देख लीजिए, ढक्कन किस तरीके से इसके ख़राब कर दिए हैं। और इधर जो है टायर खोलने हैं दोस्तों, और लाइन तो खैर करनी है इस गाड़ी की। और जैसे टायर खोलने का भी ये चक्कर है, थोड़ा सुनता कम है ना इसे, तो पकड़ के सिर से थोड़ा सा इसे घुमाना पड़ता है, फिर थोड़ा जल्दी काम करता है वो। तो ये काम नहीं कर रहा था ना, थोड़ा देर से कर रहा था, इसलिए इसे हिलाया। अब जो कान कून खोल गए ना इसके अब। तो दोस्तों जैसे कि अभी ये गाड़ी आई है, मोदी नगर से आई थी। तो जो हमारे यहाँ हाईवे बन रहा है ना, बिजनौर हाईवे बन रहा है, तो वहाँ पे वर्क चल रहा है। तो ये गाड़ी में जो कमी होती है तो ये यहाँ पर आ जाते हैं काम कराने के लिए। तो दोस्तों सब टायर वगैरह खुल गए हैं, और इसके अंदर अब जो है लाइन का प्रोसेस जारी होगा, जो कि सबसे पहले जो है इसके बैलेंस रॉड जो है वो खोली जाएंगी। और खोलने के बाद हम इसके अंदर जो है बुश वगैरह चेंज करेंगे। और ये मशीन ठाके चल दिया है अपना, वहाँ पे पड़ली तरफ के जो होंगे नट वगैरह वो भी खोलने थे। और इसके रिम भी दोस्तों करने थे हमने, जो कि बाहर टायर इसलिए डाले गए थे क्योंकि इसके रिम खोल गए थे, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन थोड़ी अच्छी है और नमी है, और रिम जो है इसके फेस होने ज़रूरी हैं, क्योंकि रिम जो है निकल आते हैं ख़राब दोस्तों अधिकतर। मैंने देखा है, मैं आपको दिखाऊँगा स्पेशल इस चीज़ की वीडियो, कि रिम जो है बहुत जल्दी ख़राब निकलते हैं, चाहे नया भी हो रिम वो भी ख़राब निकल आता है। और दोस्तों फिर वो रिम जो है वो करवा रहा है, और हमारे जो मुल्ला जी हैं वो रिम को कर रहे हैं अंदर। और फिलहाल जो है आप देख सकते हैं, अब जोरिक स्प्रे द्वारा से मतलब मिट्टी वगैरह साफ़ करके इसके जो है नट बोल्ट वगैरह खोले जाएंगे इसके लिए, ये जो बैलेंस रॉड होती है। और इसे खोलने के बाद जो है ये बाहर निकाल ली जाएगी, और इसके अंदर जो होती नहीं वो क्या कहते हैं बुश जो होते हैं वो निकालने पड़ते हैं दोस्तों। अगर वो नहीं निकालेंगे वैसे के वैसे डाल देंगे तो फिर तो बेकार रहेगा मामला, क्योंकि वही बुश जो है वो पूरे फिक्स करके टाइट करने होते हैं इसके अंदर, क्योंकि वैसे वाले बुश तो होते नहीं, इसमें टेपर वाले बुश होते हैं, इसमें वही फिट करने पड़ते हैं दोस्तों फिर हमें। फिलहाल ये देखिए ढक्कनों के बारे में क्या कंडीशन है। ये चोटे मार रखी किसी ने, तो खुला नहीं होगा, ऐसे चोटे मार रखी किसी ने। वो जो ढक्कन मतलब हप की जो है ना, वो इसके मतलब कैप है, जो हप की कैप है, मतलब ढक्कन कह लो जो मर्जी कह लो यार, कहने वाली बात है पता नहीं है। तो दोस्तों वो जो है वो किसी ने मतलब जो खोलने की कोशिश की होगी, तो उस पर औजार ना होने की वजह से उसने चोट मार के कोशिश की निकालने की, तो नहीं निकले, क्योंकि ये बहुत टाइट होते हैं और फिक्स होते हैं, और हल्के टाइट ही होते हैं। मतलब कि अगर आपके पास इसका पाना है, खैर हमारा तो हमने तो पाना इसका वैसे ही बना लिया है साइज़ लेके, कोई चक्कर ही नहीं है, इतना बड़ा लफड़ा है नहीं इसमें कि भाई पाना बनाना है क्या है, पत्ती लेके उसमें डिजाइन करके कटिंग करके पाना बना लो, क्योंकि इतना बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब भी नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये नट बोल्ट जो है वो खुल गए थे, और ये जो इस पर बुश हैं वो निकाल लिए गए हैं बाहर। और इसके बाद जो है दोस्तों वो जो अंदर से जो है ना इसका बुश जो ख़राब हुआ हुआ है वो नीचे पड़े हैं, आपने देखे हैं ना, वो पहले वाले के निकाल के रख लिए हैं, और दूसरे वाले के भी ये अब निकालेंगे। जैसे ये राड लेके आए ना, उसमें राड फंसा फंसा के निकालने होंगे। अब जो है आप देख सकते हैं ये इसमें उस पर चोट मार रहे हैं बैलेंस रॉड पर, जिससे कि वो रैली हो जाए। और इधर की तरफ जो चोट मारी है अब इन्होंने, वो बोल्ट निकालने के लिए जो कि उसके अंदर फंसा हुआ है, जो कि वो निकाला जा रहा है। और फिलहाल जो है देखते हैं ढक्कन जो है वो पल्ले वाला खुल नहीं रहा है, उसमें देखते हैं क्या कंडीशन है। मुझे तो लगता है ज़्यादा ही बड़ी दिक्कत है, वो शायद काट के ना निकालना पड़े, कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब ना हो जाए उसकी, क्योंकि कंडीशन उन्होंने चोट मार मार के ज़्यादा ही ख़राब कर दी है। तो देखते तो है नहीं वो, बस ये है कि बस खोलना है। अब जब नहीं खुल रहा तो भाई छोड़ दो यार,
भाई नहीं खुलने का औजार नहीं है तो छोड़ दो, क्यों पंगे लो खामी खा के, कोई फायदा थोड़ी है। देखो दोस्तों फिर किस तरीके से हम उस डक्को में खोलते हैं और क्या कंडीशन बनती है। तो दोस्तों टाई रॉड खुल रहे हैं इसके, और टाई रॉड जो बैलेंस रॉड होती है हमारी वही टाई रॉड होते हैं, और उनके जो पुश है वो खराब हो चुके हैं और वो हम अब खोलेंगे। इसके बाद हम पुश भी निकालेंगे जो खराब थे इसके। और दोस्तों जो इसका वो आपको मैंने दिखाया था इसका आपका जो होता है ढक्कन, वो किसी तुर्रम खान ने इसकी ऐसी कैसी की हुई है और जिसकी वजह से वो सही काम नहीं करा, जिसकी वजह से खुला नहीं, तो उस पर हम चोटे मार मार के ऐसी कैसी कर दी है इसने, जिससे पूरा अपना ढक्कन जो है ख़राब हो गया है। तो दोस्तों अब आप देखेंगे किस तरीके से हम उस ढक्कन को रिप्लेस करते हैं, नया लगाते हैं, डिपेंड करता है कस्टमर पे। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के साथ, पूरी वीडियो देखना किस तरीके से हम इस काम को अंजाम देते हैं। दोस्तों अब जो है वो ढक्कन जो है वो काट काट कर ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी है कंडीशन और उसके पैल जो है सारे ख़राब हो गए थे, और जिसकी वजह से वो जो ढक्कन है उसमें एक तरीके से सीज होने की संभावना में था, मगर वो फिर भी हमने पूरी कोशिश करी जो है आराम से खुल गया है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है इसके अंदर जो है बहुत मतलब एलुमिनियम टाइप का ही बना होता है, और इसमें हल्का सा आया ना चिप जल्दी पै जाता है इसमें, मतलब चिप का मतलब बींगा हो जाता है जल्दी से और टेटा मेटा हो गया, इस वजह से फिर ये खुलता नहीं है। तो दोस्तों अब जो है इसका जो है पाना ज़रूर होना चाहिए, पाना बड़े आराम से बन जाता है, पाने के बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। फिलहाल जो है ढक्कन खुल गया है। तो दोस्तों ये जो कटोरा था इसी रास्ते में तुर्रम खां मिस्त्री ने, फिलहाल तो ये जो कटोरा है इस कटोरे को रास्ते में किसी तुर्रम खां ने खोलने की कोशिश करी, क्योंकि उसके पास औजार नहीं था तो उसकी वजह से उसने डैमेज कर दिया इसे, तो फिर हमें इसे मजबूरन खोलना पड़ा और बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, जो कि अंदर बढ़ने की वजह से पाने वाली जगह ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों अब जो है ये नया लगाया जाएगा, फिलहाल जो है इसकी जो लाइन के लिए इसके पुश वगैरह है वो नए आ रहे हैं, और जो कि वो आप देखेंगे किस तरीके से हम चेंज करेंगे। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के साथ। तो दोस्तों अब जो है आप देखेंगे कि हम पुशों को किस तरीके से असेंबल करेंगे। आप देख सकते हैं ग्रीस वगैरह रखा हुआ है और वो उसके अंदर वहाँ से पीछे से पुश फंसाया है, और ये वाला पुश जो है इधर से फंसाया जाएगा, और इसमें फिर इसके बाद बोल्ट लगाकर टाइट कर देना है। बहुत आसान है, बहुत आराम से, बहुत तरीके से हो जाता है। बस ये है कि पुशों की जो आगे की किनारी है वो उस बैलेंस रोड में फंसनी चाहिए, अगर नहीं फंसेगी तो पुश ख़राब भी हो सकता है, आपको पता नहीं लग पाएगा क्योंकि आप टू टाइट करते रहोगे, आपको जानकारी नहीं हो पाएगी इस चीज़ की। तो मगर जिस व्यवसाय करोगे तो बुश प्रॉपर तरीके से अंदर जाना चाहिए, अगर नहीं गया तो समझ लो बुश ख़राब हो सकता है, और वो बाहर भी नहीं निकलेगा, क्योंकि बाहर निकालने के लिए फिर आपको या तो गर्म कोई चीज़ करनी पड़ेगी, या क्योंकि ऐसे तो निकलेगा नहीं क्योंकि वो पूरे फिक्स हो जाते हैं अंदर, रबड़ होती है ना, रबड़ तो कुछ ठोस है नहीं, कहीं फंस गई तो निकालनी मुश्किल हो ही जाती है। दोस्तों बुश जो है वो लगाए जा रहे हैं, वो आप देखेंगे वो सामने जो है बुश लगा रहे हैं। ये नया लेके आ जाओ लेके दुकान आ जा। अभी ये ना लेके इसमें जिस पे पांडा हो उसी ढक्कन खुलवाइए, अभी ये पन्ना ना होने की वजह से ढक्कन तो इसमें भी नहीं खानी, मेरा बाल बना तो ये ही बनवा ले, ये भी चोटें मार रखी, बाकी मर्जी है तेरी। दोस्तों
दोस्तों यॉर्क और फुआ का सेम ही होता है, आराम से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यॉर्क कंपनी का और फुआ का सेम ही होता है, ढक्कन लगाना है, कवर करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम यॉर्क का लगाए चाहे फुआ का लगाए, काम होना चाहिए। नाम चेंज कर दो वो उसका हो जाएगा, उसका नाम लिख दो तो उसका हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल जो ढक्कन मिल गया है और रिंग भी लगा हुआ है, आराम से हम इसमें फिट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने की। दोस्तों इसके साथ बने रहे वीडियो के साथ, देखें किस तरीके से कर रहे हैं हम काम को। दोस्तों तो आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से हम काम को अंजाम दे रहे हैं, और फिलहाल जो है आप देख रहे होंगे कि ये बुश जो है अभी हमने फंसाया, ये भी देखो किस तरीके से तो आराम से जो है मतलब फिक्स हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसे कोई भी कर सकता है दोस्तों, इसे बड़े आराम से कोई समस्या नहीं आती किसी प्रकार की। अगर नहीं समस्या समझ में आ रही है, किसी को कोई परेशानी हो रही है, तो दोस्तों मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फिर विजिट भी मुजफ्फरनगर सिटी में कर सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल जो है अब आप देखिए इधर वाला भी जो है बोल्ट नट बोल्ट टाइट कर दिया गया है और पटली तरफ वाला भी टाइट कर दिया गया, तो ये जो बैलेंस राड है रेडी हो चुकी है एक तरीके से। तो दोस्तों अब इसकी करनी है हमने लाइन। तो मैं तुम्हें दिखाना था वो यही चुर्रम कहाँ है जो खोल लेता है मतलब घोड़े पोड़े, अभी से कुछ पता तो है नहीं, अब ये खोल तो रहा है। तो दोस्तों मैं शक्ल भी दिखाऊंगा इसकी। दोस्तों ये क्या करते हैं, खोल लेते हैं और खोल के पूछ पाछ यहीं ठोक के यहीं फिट कर देते हैं उन्होंने, और कस्टमर को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं क्या है वो, तो बाद में पता लगेगा जब उसका नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों वो ऐसे ही करते हैं, फिलहाल तो मैं बताऊंगा नहीं कौन है, और इसके बाद आप देखेंगे। दोस्तों ये जो है हमने जो इसकी लाइन करनी है, पापा भी आ गए थे दुकान पर, और पापा आने के बाद कह रहे थे क्या क्या काम है क्या है, इसके बारे में वो चल रही थी बात कि भाई इसमें गाड़ी में क्या काम है इसमें, क्योंकि बराबर में गाड़ी खड़ी थी, उसकी ट्यूब वगैरह करनी थी वो कि मैं उसका छूट ले नहीं पाया क्योंकि उसका काफ़ी सारा सामान पहले से ही खुला हुआ था, और इस गाड़ी का जो है वो हमने आगे भी तुम्हारे सामने खोला था, तो इसमें जो है चक्के वक्के ग्रीस भी है, कुछ छोटा मोटा और छोटा मोटर भी काम है, और जो है फिलहाल अब इसकी लाइन के जो है वो सेंटर टू ढीले कर रहे हैं जिससे कि हिस्से को हिलाने के लिए, आपको पता ही है दोस्तों इसके बारे में। तो जिन दोस्तों को इन बारे में पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करके मुझे बताएं कि ये इससे क्या करते हैं हम और इसका क्या मेन रोल है, इसे ढीला ढीला क्यों करना पड़ता है, और जरूर बताएंगे दोस्तों। और फिलहाल जो है अब लाइन नापी जा रही है और आप देखेंगे किस तरीके से सेंटर टू सेंटर लाइन को नापा गया है, और पड़ली तरफ से भी चेक करना होगा क्योंकि दोनों तरफ से मिलाना होता है, बराबर करना होता है इन चीज़ों द्वारा, जो कि उधर से नाप लिया था और उधर से आगे से हमने सेंटर कर दी है लाइन, और अब जो है पिछले वाले हिस्सों को मिलाना होगा दोनों से। तो दोस्तों वो आप देखेंगे किस तरीके से। दोस्तों एक इंच का फर्क है लाइन के अंदर, तो दोस्तों टायर तो फिर गाड़ी खाएगी खाएगी, और फिर कहने की कोई है कि भाई गाड़ी की टायर खा रही है, डंडा दबाया था, ये है वो है। तो दोस्तों लाइन में भी फर्क होने से बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों, ये नहीं कि डंडा खोल लिया और फिट कर दिया। अब एक गाड़ी और खड़ी है जिसकी मैं वीडियो लेके आऊंगा, वो फिलहाल उसका पूरा काम खुलेगा कल, तो उस गाड़ी में भी किसी ने डंडे कर दिए, कमी और कोई है उसमें, डंडे के हिस्से बाहर है, तो उसका शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको डाल के दिखाऊंगा। फिलहाल जो है उस गाड़ी के बारे में, और जो है इस गाड़ी का वैसे काम देखा जाए तो फाइनल हो ही गया है, और इसके अंदर जो काम रह गया है वो रह गया है दोस्तों खाली लाइन का। तो दोस्तों लाइन होने के बाद जो है इसके टायर वायर लगाना लग जाएंगे, तो दोस्तों देखना आप
किस तरीके से और काम जो तमाम है वो भी हम फाइनल करते हैं। पुश वगैरह भी आपने देख ही लिए थे। तो दोस्तों हमने कर दिया इसकी लाइन और सो काम था सो फाइनल हो गया है दोस्तों। बाकी जो है ढक्कन इसका एक रह गया है जो कि वर्कर आ गया है लगाने के लिए, देख सकते हैं दोस्तों। और ये अब जो है टाइट किया जाएगा क्योंकि हमने तो एक पाना बना रखा है खुद ही, आपको पता है कोई भी पाना हो हम खुद ही बना लेते हैं, कोई मैटर ही नहीं करता। अब कम से कम इसके पाना अगर हम लेने जाएँ कितने का होगा पाना इसका? ज्यादा ही होगा, मतलब तो पाना तो अपने खुद ही बना लिया क्योंकि ज्यादा टाइट तो करना होता नहीं है, ये लिमिटेड टाइट होता है, हैं लिमिटेड टाइट करना होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है तो दोस्तों इस गाड़ी का काम हमने फाइनल कर दिया है, लाइन अप वगैरह जो उसमें सारा काम था जो कि फाइनल करा है, और जो बुश वगैरह भी ख़राब थे बैलेंस रोड के वो भी सही कर दिए हैं। और दोस्तों अगर भविष्य में अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और भविष्य में अगर आपको मेरी ये यूट्यूब वाली वीडियो देखनी है टर्बो हाइड्रोलिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।